हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपकी आर्मी की अब की बार जो भर्ती हुई है 2024 के अंदर। भाई 2024 के अंदर पहले से वैकेंसियां अब की बार कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी, और कितनी वैकेंसियां इस साल मिलने वाली हैं, आपके एआरओ में वैकेंसियां बढ़ेंगी या घटेंगी, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और जितने बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको हर एक छोटी से बड़ी अपडेट इस चैनल पर दे दी जाएगी। भाई तो सबसे पहले बात करते हैं, पहली भर्ती आपको पता है जो अग्निपथ स्कीम थी, ये जून 2022 में लॉन्च की गई थी भाई, 2022 के अंदर। और जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो उसके अंदर ये बात बोली गई थी कि कुछ साल पहले 2-3 साल वैकेंसियां कम रहेंगी, और उसके बाद इस स्कीम के तहत जो बच्चे भर्ती होंगे उनकी वैकेंसियों को फिर से बढ़ाया जाएगा। अग्निवीर से पहले जो बच्चे आर्मी के अंदर जाते थे, 1 साल में 70,000, 80,000, 90,000 तक वैकेंसियां मिलती थी साल के अंदर। उसके बाद अग्निवीर आने के बाद वैकेंसियां घटी हैं, ये आपको भी पता है, आपके एआरओ के अंदर भी वैकेंसियां घटी हैं। वैकेंसियां घटने की वजह से मेरिट ज्यादा जाने लग गई अग्निपथ स्कीम के अंदर, यानी कि अग्निवीर भर्ती के अंदर। अगर वैकेंसियां बढ़ जाएंगी तो मेरिट भी आपकी कम जाएगी भाई, ठीक है। तो जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो ये बात बोली गई थी कि पहले साल लगभग 45,000 वैकेंसियां मिलेंगी, 45,000। और बोला गया था कि 1-2 साल तक इतनी वैकेंसियां ही रहेंगी, 45,000 वैकेंसियां लगभग रहेंगी पहले 2 साल। लेकिन अब जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती के अंदर कितनी वैकेंसियां मिलने वाली हैं आप ये देख सकते हो भाई। जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी तरफ से बात कही गई है कि वैकेंसियां कितनी मिलेंगी। भारतीय सेना में अब तक 1 लाख तक अग्निवीर शामिल हो चुके हैं, और आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं जिसमें लिखी गई है कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पोनप्पा ने कहा कि जून 2022 में योजना शुरू की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पहला बैच उनके पास, सेना के पास गया दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में भर्ती और एनरोल किया गया भाई। फिर से भर्ती की एडवर्टाइजमेंट निकालने गई दिसंबर 2022 और 23 में। लगभग 1 लाख अग्निवीर सेना के अंदर एनरोल किए, और अब की बार की बात करें भी 2025 के अंदर, 2024 और 25 के अंदर 50,000 वैकेंसियां जारी की गई हैं भाई। जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखिएगा, अब की बार वैकेंसियां बढ़ने वाली हैं, 50,000 के आसपास वैकेंसियां अब की बार आएंगी, और पहले से ज्यादा वैकेंसियां मिलेंगी। अगर पहले से ज्यादा वैकेंसियां मिलेंगी तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार मेरिट भी कम जा सकती है भाई। अगर हर एआरओ में वैकेंसियां बढ़ेंगी तो मेरिट भी पहले से कम जा सकती है। तो हम भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हर एक एआरओ में 200-200, 250-250 वैकेंसियां बढ़कर आए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा और मेरिट भी कम जाने की संभावना होगी। अगर पहले से ज्यादा वैकेंसियां मिलती हैं तो डेफिनेटली मेरिट आपकी कम जाएगी भाई, ठीक है। तो आपके सामने है, वैकेंसियां बिल्कुल बढ़ी हैं और बढ़कर मिलेंगी, तो उम्मीद करते हैं आप सभी का सिलेक्शन होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।